Hello children, welcome once again to my channel Smita Classes. Today I will be dealing with the literature book of standard 6. The name of the book is Insight, a multi-skill English course, and I would be doing the 5th chapter. The name of the chapter is An Uncomfortable Bed. Okay, we will start reading the chapter. A practical joke or prank is a mischievous trick played on someone, generally causing the victim to experience embarrassment, perplexity, confusion or discomfort. Have you ever played a practical joke on a friend? है ना, एक कोई जोक हम किसी फ्रेंड के साथ करते हैं या प्रैंक करते हैं, है ना, उसे किसी तरह से बुद्धू बनाते हैं जिससे कि वो या तो बहुत शर्मिंदा हो जाए या फिर उसे थोड़ा एम्बेरसिंग फील हो, उसे थोड़ा अच्छा, मतलब उसे थोड़ा सबके सामने उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगे या वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाए या डिसकंफर्ट हो उसे, तो उसे का प्रैंक कहते हैं। जैसे कि किसी रबर की छिपकली हमने किसी के सामने रखी, वो बेचारा घबरा कर उसे देख के डर गया, है ना, तो वो एक तरह का प्रैंक करना हुआ। तो इस तरह का किसी प्रैक्टिकल जोक आपने अपने किसी फ्रेंड के साथ किया है क्या कभी? उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। Let's read. One autumn I went to stay for the hunting season with some friends in a chateau in Picardy. My friends are fond of practical joking, as all my friends are. I do not care to know any other sort of people. When I arrived, they gave me a princely reception which at once aroused distrust in my breast. They embraced me, they cajoled me as if they expected to have great fun at my expense. I said to myself, look out old Fred, they have something in preparation for you. ठीक है, तो एक बार ऑटम का सीज़न था, है ना। ऑटम का सीज़न क्या होता है, जो है ऑटम का सीज़न होता है पतझड़ का जो मौसम होता है, ठीक है, विंटर के पहले पहले का, उसको ऑटम का सीज़न कहते हैं। तो ये जो राइटर है वह कहते हैं कि एक बार ऑटम के सीज़न में वो जो है अपने फ्रेंड्स लोग के साथ एक चटाऊ में रहने गए। चटाऊ क्या होता है, गांव में एक बड़ा सा घर हो, लार्ज कंट्री हाउस जो हो, थोड़ा रिमोट एरियाज में, ठीक है, विलेजेस में एक बड़ा सा घर हो, उसे चटाऊ कहते हैं। और वो किस जगह पे था, पिकार्डी, पिकार्डी एक प्लेस का नाम है। तो वहाँ पे जो है ये राइटर गए थे फॉर द हंटिंग सीज़न, मतलब शिकार करने के लिए, ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर शिकार करने के लिए वहाँ पर गए थे। उनके जितने भी फ्रेंड्स थे राइटर के, सबका आदत था प्रैक्टिकल जोक करने का, है ना, मतलब दूसरे के ऊपर प्रैंक करने का, उनके सारे फ्रेंड्स का, जैसे बाकी उसके उनके सारे फ्रेंड्स की ये हैबिट है प्रैक्टिकल जोक करने की। और राइटर चूँकि अपने सारे ऐसे ही फ्रेंड्स से घिरे रहते, तो वो किसी और अलग तरह के लोगों को वो जानते ही नहीं है। उन्हें वो जिनके पास, उनके आसपास जितने भी लोग हैं वो जानते हैं कि वो सारे प्रैक्टिकल जोक्स ही करते हैं। वो नहीं जानते कि सिंपल तरह से भी रहने वाले लोग भी होते हैं। वो इसलिए कह रहे हैं ना, आई डो नॉट केयर टू नो एनी अदर सॉर्ट ऑफ पीपल, वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि अलग तरह के लोग भी होते हैं। जब वो वहाँ पहुँचे उस चटाऊ में, तो उन्हें एक प्रिंसली रिसेप्शन दिया गया, मतलब जैसे कोई राजकुमार आए तो उसे कैसे रिसेप्शन दिया जाता है, उसके स्वागत करके उसे घुसाया जाएगा, अच्छे से खाने पीने को दिया जाएगा, फूल माला पहनाया जाएगा, है ना, इसी तरह से उन्हें भी, ये जो ऑथर है उन्हें भी एक ग्रैंड रिसेप्शन उन लोगों ने दिया, बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया। और इतना अच्छा जब उनका स्वागत हुआ, उसी से उनके हृदय में, उनके ब्रेस्ट में, उनके चेस्ट में जो है उन्हें एक तरह का डिस्ट्रेस्ट आया, है ना, उनके हृदय में एक तरह के अविश्वास की भावना उठ पड़ी कि ये लोग मेरा इतना ग्रैंड रिसेप्शन क्यों कर रहे हैं, है ना, अचानक से अविश्वास की भावना उनके हृदय में उमड़ पड़ी। दे एम्ब्रेस्ड मी, दे कैजोल्ड मी, ठीक है, उन लोगों ने ऑथर को गले लगाया, हाँ, दे कैजोल्ड मी, उनको फ्लैटर किया। फ्लैटर्ड कैसे करते हैं, अरे वाह, तुम तो बड़े अच्छे दिख रहे हो, तुम्हारा ड्रेस तो बहुत अच्छा है, तुम आज कितने अच्छे लग रहे हो, तुम कितने अच्छे हो, है ना, इस तरह से बोलकर फ्लैटर करते हैं ना, तो उसी को कैजोल्ड मी कहते हैं। तो उन्होंने ऑथर को कैजोल भी किया, और ऑथर को कैसा लग रहा है कि ओहो, ये लोग लगता है कि मेरे खर्चे, मुझे फ्लैटर कर रहे हैं, मुझे मक्खन लगा रहे हैं, है ना, तो यानी मेरे खर्चे पे ये लोग मज़ा करने वाले हैं, मुझसे खर्च कराएंगे और ये लोग मज़ा करेंगे, ऑथर को ऐसा लग रहा था। ऑथर ने अपने आप को बोला, लुक आउट ओल्ड फ्रेंड, दे हैव समथिंग इन प्रिपरेशन फॉर यू, है ना, ऑथर ने अपने आप को बोला, अपने आप को ऑथर क्या बोल रहे हैं,
एक ना छोटा सा एनिमल होता है, इसका जो है लंबा सा पतला सा उसका बॉडी होता है, ठीक है। एक एनिमल होता है छोटा सा, लंबा पतला बॉडी होता है उसका। वो क्या करता है, वो रैबिट्स के पीछे पीछे जाता है, हाँ, और रैबिट्स को भगाता है और खरगोशों को भगाता है, और खरगोश अपने होल में छिप जाता है ज़मीन के नीचे बरोज में, वहाँ से उन्हें बाहर निकालता है, वहाँ से उन्हें भगाता है, चूहों को पकड़ के खाता है ना। इस तरह का एक छोटा एनिमल वो होता है, उसे फेरेट कहते हैं। तो ये ऑथर अपने आप को फेरेट कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं फेरेट ध्यान दो, ये लोगों ने कुछ तैयारी करके तुम्हारे लिए रखी है ना, इन लोगों ने कुछ ज़रूर तैयारी करके रखा है तुम्हें फंसाने के लिए। ड्यूरिंग द डिनर द मर्थ वॉज एक्सेसिव, फार टू ग्रेट। इन फैक्ट आई थॉट हियर आर पीपल हु टेक अ डबल शेयर ऑफ अम्यूजमेंट एंड अपेरेंटली विदाउट रीजन। दे मस्ट बी लुकिंग आउट इन देयर ओन माइंड्स फॉर सम गुड बिट ऑफ फन। एश्योर्डली आई एम टू बी द विक्टिम ऑफ द जोक अटेंशन। ठीक है, जब डिनर के समय जो है, डिनर के समय जो है, जो मर्थ था वह एक्सेसिव था। मर्थ का मतलब है अम्यूजमेंट। वो लोग जो हंसी मजाक कर रहे थे वो कुछ ज़्यादा ही हंसी मजाक वो लोग कर रहे थे, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही ग्रेट, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे। तब ऑथर क्या सोच रहे हैं कि ये लोग जो है हंसी मजाक में डबल शेयर कर रहे हैं, मतलब ये लोग दुगना अपने आप को एंगेज कर रहे हैं हंसी मजाक में, एंड अपेरेंटली विदाउट रीज़न। और कुछ ऐसा कारण भी नहीं है इतना हंसी मजाक करने का, मुझे ऐसा सीमिंग हो रहा है, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। इट सेम टू हिम, है ना, अपेरेंटली मतलब सीमिंगली उन्हें, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि बिना किसी कारण के ये लोग डबल हंसी मजाक कर रहे हैं। यानी कि, और वो लोग, उनके जो दोस्त थे वो अपने माइंड को चला रहे हैं बहुत, है ना, अपने माइंड का बहुत यूज़ कर रहे हैं ताकि और भी कुछ मज़ा कर सके। हाँ, यानी उन सबका माइंड बहुत अभी चल रहा है मज़ा करने के लिए। हाँ, तब ऑथर को और भी खतरा लगा, उन्हें लगा एश्योर्डली मैंने ज़रूर से ये लोग, इनके मज़े का विक्टिम मैं बनूंगा, ये लोग जो जोक करेंगे उसका मेन जो सेंटर पीस हूँ मैं ही हूँ, मुझे ये लोग फंसाएंगे, मेरे ऊपर जोक करेंगे, मुझे सावधान हो जाना चाहिए, अटेंशन, इसलिए वो बोल रहे हैं। ठीक है, विक्टिम मैं ही बनूंगा, मतलब मैं ही इनके मजाक का शिकार बनूंगा। ड्यूरिंग द एंटायर इवनिंग एवरीवन लाफ्ड इन एन एग्जैजरेटेड फैशन। आई स्मेल्ट अ प्रैक्टिकल जोक इन द एयर एज अ डॉग स्मेल्स गेम, बट वॉट वॉज इट, आई वॉज वॉचफुल, रेस्टलेस, आई डिड नॉट लेट ए वर्ड और अ मीनिंग और अ जेस्चर एस्केप मी। Everyone seemed to be an object of suspicion, and I even looked distrustfully at the face of the servants. The hour rang for going to bed, and the whole household came to escort me to my room. Why? They called to me good night. I entered the apartment, shut the door, and remained standing without moving a single step, holding the wax candle in my hand. शायद पूरी शाम जो है सारे लोग एग्जैजरेटेड फैशन में हंसते रहे। मतलब एग्जैजरेट करना मतलब कोई चीज़ को बहुत ही बढ़ाना चढ़ाना, तो बहुत ही बढ़ाने चढ़ाने के स्टाइल में सब जो है हंसते रहे, है ना, मतलब कि जैसे नॉर्मल हंसी होती है उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के सब हंस रहे थे जितनी की ज़रूरत नहीं थी। तो आई स्मेल्ट ए प्रैक्टिकल जोक इन द एयर, ऑथर को एक जो बोलते हैं ना खुशबू आई या एक महक आई कि कुछ एक प्रैक्टिकल जोक होने वाला है। हाँ, ये लोग मेरे साथ कुछ एक प्रैंक करने वाले हैं, जैसे जो है ए डॉग स्मेल्स गेम, है ना, एक डॉग जो होता है उसका मालिक अभी उससे खेलने वाला है, ये डॉग स्मेल करके जान जाता है। एक्चुअली तो स्मेल करके वह नहीं जान पाएगा, पर वह जान जाता है कि अभी मेरे साथ मालिक खेलने वाला है, या सारे लोग जो आसपास है वो लोग मेरे साथ खेलने वाले हैं, इसलिए डॉग भी बहुत एक्टिव हो जाता है। पर ऑथर बोल रहे हैं कि आखिर ये प्रैक्टिकल जोक क्या था, इसलिए आई वॉज ए वॉचफुल रेस्टलेस, ऑथर आराम से नहीं बैठ पा रहे थे, आराम नहीं कर पा रहे थे, और बहुत ही तेज़ निगाहों से सबको देख रहे थे ना, वो वॉचफुल थे, मैंने वो बहुत ही ध्यान रख रहे थे आखिर हो क्या रहा है उस बारे में, है ना, इसलिए वह आराम से उनके साथ मज़ा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो ये जानना चाह रहे थे कि आखिर किस तरह का जोक ये लोग करने वाले हैं। हर एक दोस्त जो भी वर्ड बोल रहा है वो वर्ड का जो भी मीनिंग है, या कोई कैसा भी जेस्चर कर रहा है, मतलब कोई
किस तरह का मूवमेंट कर रहा है, हाथ ऐसे उठा रहा है, ऐसे मुंह बना के बोल रहा है, हर एक चीज़ को ऑथर ध्यान से देखते रहे। आई डिड नॉट लेट ए वर्ड और अ मीनिंग और जेस्चर एस्केप मी। वो एक एक चीज़ को दोस्तों की ध्यान से देखते रहे, क्या बोल रहे हैं वो लोग, उनके बातों का मतलब क्या है और किस तरह का उन लोग हैंड बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, मेरे को रिलेटेड मेरे साथ क्या कर रहे हैं, एक भी चीज़ पे उन्होंने नज़र नहीं हटाई, हर एक चीज़ पे उन्होंने अपनी निगाह रखी, ठीक है। और हर कोई जो है उन्हें ऑब्जेक्ट ऑफ सस्पिशन लग रहा था, मतलब हर कोई उन्हें, वो हर किसी को शक की निगाहों से देख रहे थे, हर किसी पे वो शक कर रहे थे, हर किसी पे उन्हें संदेह हो रहा था। और इनफैक्ट जो वहाँ सर्वेंट्स थे, नौकर चाकर थे, उनके चेहरों को भी देख के ऑथर अविश्वास कर रहे थे, है ना। उनके चेहरे भी उनको फेथफुल नहीं लग रहे थे, उन्हें लग रहा था कि ये लोग भी उस जोक में मिले हुए हैं और उनकी तरफ भी वह उनके चेहरे भी उन्हें विश्वासपूर्ण नहीं लग रहे थे। फिर जो है रात का समय हो गया, सोने का समय आ गया, आवर रैंग फॉर गोइंग टू बेड, मतलब रात में सोने का समय हो चुका था। और द होल हाउस होल्ड केम टू एस्कॉर्ट मी टू माई रूम, जितने भी घर में लोग थे, सारे दोस्त उनके कि सर्वेंट्स, सब मिलके उन्हें उनके रूम तक छोड़ने आए, एस्कॉर्ट मी टू रूम। देखिए एस्कॉर्ट वर्ड जो होता है, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर बड़े फंक्शन में गए तो प्राइम मिनिस्टर को अकेले नहीं छोड़ते ना, उन्हें नीचे से उनके साथ कोई आ जाता है, उनके साथ साथ लेके उन्हें स्टेज तक पहुंचाता है, तो उसको एस्कॉर्ट करना कहते हैं, ठीक है, साथ में जाना, अकेला नहीं छोड़ना। तो इसी तरह ऑथर कहते हैं कि जब वह रात में सोने के लिए अपने रूम में गए, द होल हाउस होल्ड, मतलब घर के जितने भी लोग थे, सब उनको उनके रूम तक छोड़ने आए, और उन लोगों ने उन्हें पुकार कर गुड नाइट भी कहा। ऑथर अपने अपार्टमेंट में एंटर कर गए, अपने रूम में चले गए, अपार्टमेंट बोला जा रहा है, और तो वो एक ही बड़ा घर है, उसी में अलग अलग रूम्स हैं, तो उसी को बात वो कह रहे हैं। जनरली अपार्टमेंट मतलब तो फ्लैट होता है, तो एक 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 पार्ट होगा उस कंट्री साइड हाउस में, पार्ट होगा जहाँ पे जॉइंट बाथरूम्स वगैरह सब कुछ होंगे एक एक पार्ट में, तो उसी को वो अपार्टमेंट कह रहे हैं। तो वहाँ अंदर चले गए, उन्होंने अंदर से अपना दरवाज़ा बंद कर दिया और वह वह खड़े ही रहे, वह बेड पे नहीं गए और एक कदम भी उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। उनके हाथों में वैक्स कैंडल था, मोम की बत्ती थी, मोमबत्ती थी उनके हाथ में, और जो है कैंडल वह पकड़े हुए थे, उन्होंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि उन्हें लगा मेरे साथ कोई ये लोग प्रैक्टिकल जोक करने वाले हैं। आई हर्ड लाफ्टर एंड विस्परिंग इन द कॉरिडोर, विदाउट डाउट दे वर स्पाइंग ऑन मी। आई कास्ट अ ग्लांस अराउंड द वॉल्स, द फर्नीचर, द सीलिंग, द हैंगिंग्स, द फ्लोर, आई सॉ नथिंग टू जस्टिफाई सस्पिशन। आई हर्ड पर्सन्स मूविंग अबाउट आउटसाइड माई डोर, आई हैड नो डाउट दे वर लुकिंग थ्रू द की होल। एन आइडिया केम इन टू माई हेड, माई कैंडल मे सडनली गो आउट एंड लीव मी इन डार्कनेस। क्या है कि जो है वो जो है वो गांव का एरिया था, और पता नहीं है जब स्टोरी जब लिखी गई है उस समय जो है लाइट आया था कि नहीं आया था, इलेक्ट्रिसिटी आया था कि नहीं, या हो सकता है उस गांव के एरिया में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होगा। तो ऑथर अंदर कैंडल लेके खड़े हैं, उन्हें बाहर से हंसने की, फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। बाहर जो कॉरिडोर होता है, गलियारा वाला जगह रहता है रूम्स के बाहर का, जो चलने के लिए यूज़ होता है कॉरिडोर, वहाँ से उन्हें हंसने की, फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। अब ऑथर को पूरा विश्वास हो गया था, उन्हें कोई डाउट नहीं था कि ये लोग उन पर स्पाई कर रहे हैं, मतलब उन ऑथर के ऊपर जासूसी कर रहे हैं। ऑथर ने एक निगाह डाली अपने रूम के सभी दीवारों पर, हाँ, फर्नीचर पर, जो भी लकड़ी के आइटम थे, बेड हो, चेयर हो, टेबल हो, उस पर उन्होंने एक निगाह डाली। सीलिंग जो है ऊपर की छत की तरफ भी उन्होंने निगाह डाली, हैंगिंग्स की तरफ भी, मतलब जो भी पर्दे वगैरह टंगे थे विंडोज़ में, वो सब की तरफ भी, ज़मीन पे भी, फ्लोर में भी, उन्होंने सब तरफ एक निगाह डाली, ठीक है। उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो उनके शक को या उनके संदेह को सही साबित करे, है ना। संदेह वो करने वाली कोई भी चीज़ उन्हें दिखाई नहीं दी उस रूम में, ठीक है। आई सॉ नथिंग टू जस्टिफाई सस्पिशन, मतलब कि उनके शक को कोई प्रूफ नहीं मिला, कुछ ऐसा नहीं मिला कि जो उनके शक को या उनके संदेह को सच साबित कर सके। उन्हें आवाज़ सुनाई दी कि उनके डोर के बाहर लोग इधर उधर चल रहे हैं, ठीक है। और ऑथर बोले, मुझे कोई डाउट नहीं था, मुझे पूरा विश्वास था कि वो लोग दरवाजे के की होल से अंदर देख रहे हैं।
तभी ऑथर के माइंड में एक आइडिया आया कि क्या अगर मेरा कैंडल अचानक बुझ जाए तो मैं तो यहाँ पूरे अंधेरे में ही खड़ा रह जाऊँगा। देन आई वेंट अक्रॉस टू द मेंटल पीस एंड लाइटेड ऑल द वैक्स कैंडल्स दैट वर ऑन इट। आफ्टर दैट आई कास्ट अनदर ग्लांस अराउंड मी विदाउट डिस्कवरिंग एनीथिंग। आई एडवांस्ड विद शॉर्ट स्टेप्स केयरफुली एग्जामिनिंग द अपार्टमेंट। नथिंग आई इंस्पेक्टेड एवरी आर्टिकल वन आफ्टर द अदर, स्टिल नथिंग। आई वेंट ओवर टू द विंडो, द शटर्स, लार्ज वुडन शटर्स वर ओपन। आई शट दम विद ग्रेट केयर एंड देन ड्रू द कर्टन्स, एनॉर्मस वेलवेट कर्टन्स, एंड प्लेस्ड चेयर इन फ्रंट ऑफ देम सो एज टू हैव नथिंग टू फियर फ्रॉम आउटसाइड। फिर जो है ऑथर ने देखा कि जितने भी हैंगिंग्स हैं, मतलब जो भी सजावट के सामान वगैरह लगे हुए हैं वाल में, वो सब को भी उन्होंने ध्यान से देखा था। फिर है ना, फिर उन्हें जब ये लगा कि अगर मेरा कैंडल बुझ जाए मैं पूरे अंधेरे में रह जाऊँगा, इसीलिए वह मेंटल पीस के पास गए। मेंटल पीस क्या होता है, देखिए ये तो फॉरेन की स्टोरी है, तो फॉरेन में हर घर में फायर प्लेस होता है क्योंकि वो कोल्ड कंट्री होती है, आग जलाने की जगह होती है। तो जो आग जलाने की जगह होती है उसके ऊपर एक शेल्फ जैसा बना रहता है, ठीक है, तो उसे ही मेंटल पीस कहते हैं। तो ऑथर जो है वो शेल्फ के पास गए, वहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स रखे हुए थे स्टैंड पे, उन्होंने सारे कैंडल्स को जला दिए, ठीक है, जो भी मेंटल पीस के ऊपर रखे थे उन्होंने सारे कैंडल को जला दिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर एक निगाह डाली अपने चारों तरफ, पर उन्होंने वो कुछ भी आविष्कार नहीं कर पाए, है ना, विदाउट डिस्कवरिंग एनीथिंग, वो कुछ भी खोजबीन नहीं कर पाए, कुछ उन्हें नई चीज़ नहीं मिली। फिर वो छोटे छोटे कदम लेते हुए एडवांस किए, आगे बढ़े, ठीक है, केयरफुली एग्जामिनिंग द अपार्टमेंट। वो उस पूरे अपार्टमेंट को, पूरे रूम को ध्यान से एग्जामिन कर रहे हैं ना, जायजा ले रहे हैं पूरे अपार्टमेंट का, वो ध्यान से देख रहे हैं। उन्होंने जितनी भी वहाँ पे सामान रखे थे हर एक आर्टिकल को उन्होंने ध्यान से देखा, हाथ में पकड़ कर देखा, इंस्पेक्ट किया, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर होता है ना, वो किसी घर में घुसेगा जहाँ चोरी हुई है तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखता है ना, टच करके ये करके कहीं कुछ प्रूफ मिल जाए। इसी तरह इन्होंने भी हर एक आर्टिकल जो उस रूम में था सबको अच्छी तरह से देखा, इनको कुछ भी नहीं मिला। फिर वो विंडो के पास गए, विंडो में क्या था, जो है वुडन शटर्स थे, विंडो के जो बंद करने के जो डोर्स थे वो वुड के बने हुए थे, बड़े बड़े लकड़ियों के डोर्स थे, जैसे नॉर्मली यहाँ भी विंडोज़ में होता है, ठीक है। आजकल तो ऐसे वाले आ गए हैं ना, कांच वाले हो गए हैं या पॉलीमर वाले, ऐसे ऐसे हम लोग उसको स्लाइड कर देते हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े वुड के शटर्स थे, ठीक है, उसको उन्होंने उनसे विंडो को बंद कर दिया है ना, जैसे खिड़कियों को उन्होंने बंद कर दिया, लकड़ी के डोर्स लगे हैं और खिड़कियों पे, उसको उन्होंने उन शटर्स को बंद कर दिया। काफ़ी ध्यान से उन्होंने धीरे धीरे बंद किया, फिर पर्दे भी खींच दिए, ठीक है, ड्रू द कर्टन, बहुत ही बड़े बड़े वेलवेट कपड़े के कर्टन थे, वो जो मखमली कपड़े के कर्टन होते हैं ना वैसे बहुत बड़े बड़े थे, उन सबको उन्होंने खींच दिया उन बड़े बड़े विंडोज़ के पास। फिर वो विंडो के पास उन्होंने एक चेयर भी रख दिया है ना, ताकि बाहर से कोई डर ना रहे, ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई जंप करके अंदर आ जाए और मुझे पता नहीं चले, इसलिए उन्होंने वो विंडो के पास बड़ा बड़ा चेयर भी रख दिया। देन आई कॉशियसली सैट डाउन, द आर्म चेयर वॉज सॉलिड, आई डिड नॉट वेंचर टू गेट इन टू द बेड, हाउएवर द नाइट वॉज एडवांसिंग एंड आई एंडेड बाई कमिंग टू द कंक्लूजन दैट आई वॉज फूलिश इफ दे वर स्पाइंग ऑन मी एज आई सपोज दे मस्ट वाइल वेटिंग फॉर द सक्सेस ऑफ द जॉब दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर मी have been laughing enormously at my terror. So I made up my mind to go to bed, but the bed was particularly suspicious looking. I pulled at the curtains, they seemed to be secure. All the same, there was danger. I was going perhaps to receive a cold shower bath from overhead, or perhaps the moment I stretched myself out to find myself sinking under the floor with my mattress. I searched in my memory for all the practical jokes of which I ever had experience, and I did not want to be caught. No, certainly not, certainly not. Then I suddenly thought of a precaution which I consider one of extreme efficacy. I caught hold of the side of the mattress gingerly and very slowly drew it toward me. It came away, followed by the sheet and the rest of the bedclothes. I dragged all those objects into the very middle of the room facing the entrance door. I made my bed over again as best I could, at some distance from the suspected bedstead and the corner which had filled me with such anxiety. Then he extinguished all the candles and groping my way, I slipped under the bedclothes.
फिर जो है ऑथर बहुत ध्यान से उस चेयर पे बैठ गए, ठीक है। वो आर्म चेयर था। आर्म चेयर क्या होता है, जिसमें साइड में बने रहते हैं, जिन पे आप अपने हाथ रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे बने रहते हैं हाथ को सपोर्ट देने के लिए। तो आर्म चेयर पूरा सॉलिड का था, पूरा सॉलिड था, मतलब अच्छी लकड़ी से अच्छे से बना हुआ था। वो ऐसा नहीं था कि उसमें बैठ जाओगे तो वह नीचे घुस जाएगा या दब जा रहा हो, बड़ा अच्छा वाला सॉलिड आर्म चेयर था। आई डिड नॉट वेंचर टू गेट इन टू द बेड। ऑथर ने कोशिश नहीं की कि वो बेड पे जाए सोने के लिए, ठीक है, उन्होंने कुछ तैयारी नहीं की। पर धीरे धीरे जो है रात बढ़ती जा रही थी, रात गुजरती जा रही थी, और ऑथर काफ़ी सोचने लगे। फिर वह ये कंक्लूजन पे आए कि वो मूर्खता कर रहे थे। हाँ, अगर वो लोग इनके ऊपर जासूसी कर रहे हैं, इनके दोस्त हैं, तो वो लोग अभी भी वेट कर रहे होंगे कि ताकि वो लोग जो जोक में उसके लिए प्रिपेयर किए हैं वो सक्सेसफुल हो जाए, उसके लिए वो लोग प्रिपेयर है ना। तो वो उनके दोस्त लोग जो हैं, उनको कैसा लगा ऑथर को, ये शायद वो मूर्खता कर रहे हैं, उनके दोस्त अगर उनके लिए कोई जोक तैयार कर रखा है तो वो सब अभी इंतज़ार ही कर रहे होंगे कि वह जोक पूरा हो जाए, जोक सफल हो जाए, और वो लोग इनके ऊपर बहुत ज़ोर से हंसे, ठीक है, इनके डर पे, और इनके डर पे बहुत अच्छे से हंसे वो लोग, क्योंकि ये डरे हुए थे, वो लोग जान पा रहे थे। तो इन्हें लगा कि ये दोस्त इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इनका जोक पूरा हो और वो काफ़ी खुलकर इनके डर पे, इनके आतंक पे हंसे, क्योंकि ये आतंकित थे, ये डरे हुए थे क्योंकि कोई प्रैक्टिकल जोक इनके ऊपर होने वाला है। तो इन्होंने अपना माइंड बना लिया, नहीं अब मैं बेड में सोने जाऊँगा, ठीक है। पर बेड को देख के उन्हें बहुत संदेह हो रहा था, बहुत शक हो रहा था। आई पुल्ड एट द कर्टन्स, दे सीम टू बी सिक्योर, ठीक है। बेड के पीछे कर्टन्स भी लगे हुए थे, उन्होंने कर्टन्स को ऐसे खींचा तो वो ठीक ठाक थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि कर्टन्स नीचे गिर जाएंगे, पर्दे नीचे गिर जाएंगे, उन्हें ऐसा नहीं लगा, ठीक है। वो तो ठीक ठाक सिक्योर थे, ठीक से लगे हुए थे, पर फिर भी उसी ऑल द सेम देयर वॉज डेंजर। पर वह ये समझ रहे थे कि ये बेड के पास खतरा है, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वो बेड पे जाएंगे तो उनके सर के ऊपर से कोल्ड शावर बात होगा, मतलब ठंडा पानी उनके से ऊपर गिरेगा। वो जैसे ही बेड पे जाएंगे ऊपर से ठंडा पानी गिरेगा, और या फिर जैसे ही वो बेड पे अपने आप को लेट लेंगे, अपने आप को स्ट्रेच कर लेंगे, लेट जाएंगे बेड के ऊपर, तो वह देखेंगे कि उनके मैट्रेस के साथ, उनके गद्दे के साथ वह ज़मीन में धंसते जा रहे हैं ना। ही वुड फाइंड हिमसेल्फ सिंकिंग ऑन द फ्लोर विद द मैट्रेस। वो मैट्रेस एकदम फुसका सा होगा, उसके भीतर कुछ नहीं होगा, मैट्रेस धप से नीचे ज़मीन पर गिर जाएंगे, ठीक है। उन्होंने अपनी मेमोरी को सर्च किया, अपनी याददाश्त को खोजा कि किस तरह का प्रैक्टिकल जोक्स उनके दोस्त करते थे और किस तरह का उनको एक्सपीरियंस हुआ था, कौन कौन से प्रैक्टिकल जोक्स का, वो सब वो अपने माइंड में याद करने की कोशिश करने लगे। और साथ ही साथ वह नहीं चाहते थे कि वह पकड़े भी जाए, है ना, कोई भी जोक उनके ऊपर हो और वह पकड़े जाए, वह नहीं चाहते थे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि एक प्रिकॉशन लेते हैं, है ना, एक खतरा नहीं उठाते, पहले ही कुछ एक काम कर लेते हैं ताकि हम मुसीबत में ना पड़े। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत सोचा एक आइडिया के बारे में, और वो आइडिया उनको लगा कि हाँ, ये आइडिया करने से मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा रिज़ल्ट मुझे मिलेगा, है ना। आई कंसीडर वन ऑफ एक्सट्रीम एफिशिएंसी। उनको लगा कि ना, मेरा ये आइडिया जो है वो बहुत ही एफिशिएंसी है, मतलब बहुत एफिशिएंट आइडिया है, और मैं जैसा रिज़ल्ट चाहता हूँ वैसा रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। उन्होंने धीरे से मैट्रेस के साइड को पकड़ा, है ना, गद्दे को साइड को उन्होंने जिंजरली पकड़ा, मैंने बहुत ध्यान से उन्होंने गद्दे के साइड को पकड़ा, ठीक है, और गद्दे के साइड को पकड़ के उन्होंने धीरे धीरे उसे खींच के अपने पास ले आया, ठीक है। तो गद्दा बेड से नीचे आ गया, उसके साथ साथ उसके ऊपर जो भी बेड शीट था वह भी आ गया, और बेड क्लोथ्स जो होते हैं, मतलब कि आप सो जाए तो ओढ़ने के लिए जो चादर रहती है ना, वो बेड क्लोथ्स कहलाते हैं, वो सब भी गद्दे के साथ नीचे आ गए। उन्हें आई ड्रैग्ड ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स, उन्होंने खींच कर इन सारे सामान को रूम के पूरे मिडिल में ले आया, ले आए वो फेसिंग द एंट्रेंस डोर, ठीक है, वो रूम के मिडिल में ले आए, और इस तरह से उन्होंने गद्दे को रखा कि अगर वो वहाँ पर लेटेंगे तो उन्हें सामने वाला डोर दिखाई देगा,
ठीक है। फिर उन्होंने अपना बेड फिर से बनाया। बेड बनाना क्या होता है, उन्होंने गधे के ऊपर अच्छे से बेडशीट बिछाया, ओढ़ने वाले चादर को अच्छे से रखा, तकिए रखे, इसी को कहेंगे, जितनी अच्छे से बना सकते थे बेड बनाया। कितनी दूरी पे, जो बेड स्टेड था है ना, यानी कि जो बेड, जो पलंग था उनका है ना, पलंग से काफ़ी दूरी पे उन्होंने अपना बेड बनाया, क्योंकि उनको उस पलंग पे बहुत ही शक हो रहा था। ठीक है, तो वो बेड स्टेड जो है उससे, जिस पे उन्हें बहुत शक हो रहा था, उससे कुछ दूरी पे उन्होंने अपना बेड बनाया। फ्रॉम द सस्पेक्टेड बेड स्टेड एंड द कॉर्नर विच हैड फील्ड मी विथ सच एंग्जाइटी। क्या है कि उनका जो बेड था ना, वो एक कॉर्नर में था, तो वो कॉर्नर के पास जब वो अपने वो पलंग के पास खड़े थे, कॉर्नर के पास, तो उन्हें बड़ी ही एंग्जाइटी हो रही थी, वो बहुत ही चिंता कर रहे थे, और उन्हें वो पलंग देखकर बहुत ही संदेह भी हो रहा था, शक हो रहा था, इसलिए ने उन्होंने उससे कुछ दूरी पर अपने मैट्रेस को खींच के बेडशीट बिछा के अपना बेड बना लिया। ठीक है, फिर उन्होंने सारी कैंडल्स को बुझा दिया। ठीक है, एंड ग्रोपिंग माई वे स्लिप्ड अंडर द ब्लेड क्लोथ्स। अब है कि जब उन्होंने कैंडल्स बुझा दिए तो रूम में अंधेरा हो गया, तो है ना, अंधेरे में हम लोग अंधे के जैसे कैसे चलते हैं, ऐसे ऐसे हाथ आगे बढ़ा कर अपना रास्ता ढूंढ ढूंढ के पहुँचते हैं ना सही जगह अंधेरे में, ऐसे ऐसे करके हाथ बढ़ा के वो वहाँ पे पहुँचे अपने बेड के पास, और अपने बेड क्लोथ्स में स्लिप कर गए, मतलब अपने बेड में चले गए सोने के लिए, अपने बेड चादर भी उड़ा लिया अपने आप को। फॉर एटलीस्ट अनदर आवर आई रिमेन अवेक, स्टार्टिंग एट द स्लाइटेस्ट साउंड, एवरीथिंग सीम्ड क्वाइट इन द चैटू, आई फेल अस्लीप, आई मस्ट हैव बीन इन अ डीप स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट ऑल ऑफ अ सडन आई वॉज अवेकन विथ ए स्टार्ट विद द फॉल ऑफ अ हैवी बॉडी टम्पलिंग राइट ऑन टॉप ऑफ माई ओन बॉडी, एंड एट द सेम टाइम आई रिसीव्ड ऑन माई फेस, ऑन माई नेक एंड ऑन माई चेस्ट ए बर्निंग लिक्विड विच मेड मी अटर ए हावल ऑफ पेन इन अ ड्रेडफुल नॉइज एज इफ ए साइड बोर्ड लैडन विथ प्लेट्स एंड डिशेज हैड फॉलन डाउन पेनिट्रेटेड माई ईयर्स। ठीक है, तो एक घंटे तक जो है वह जगे रहे, फिर उसके बाद जो है वह जगे रहे, और हल्का सा भी कुछ भी साउंड होता था तो वो तुरंत ध्यान देने लगते थे, कि हल्का से भी स्लाइट भी साउंड कुछ हो रहा है तो उस पर वो ध्यान देने लगते थे। सब कुछ उस चटेऊ में, उस गांव के घर में पूरे सब कुछ शांत लगा उन्हें, और वह सो पड़े। ठीक है, और काफ़ी समय तक वो लगता है गहरी नींद में सोए हुए थे, पर अचानक से उनकी आंखें खुल गई, और उन्हें ऐसा लगा कि उनके ऊपर जो है कोई एक हैवी बॉडी, कोई भारी सामान या कोई भारी व्यक्ति उनके बॉडी के ऊपर गिर पड़ा है। ठीक है, और उसी टाइम उनको लगा कि उनके जो है फेस में और उनके गर्दन में और उनके चेस्ट में बहुत ही गरम गरम किसी तरह का लिक्विड गिरा है, हाँ, बर्निंग लिक्विड गिरा है, विच मेड मी अटर ए हाउल ऑफ पेन, जिसके कारण वो जो है दर्द से चीख पड़े हैं। ठीक है, दर्द से वो चीख पड़े, उन्हें लगा गरम गरम लिक्विड जो है, कुछ गरम गरम पानी जैसा चीज़ उनके चेस्ट, गर्दन और चेहरे पर पड़ा है, और कुछ भारी सा चीज़ उनके बॉडी के ऊपर इधर उधर घूम रहा है, टंबल कर रहा है ना, लौट रहा है उनके बॉडी के ऊपर, एंड अ ड्रेडफुल नॉइज़। और फिर उन्हें कैसी आवाज़ सुनाई दी, बहुत ही बुरी सी उनकी आवाज़ सुनाई दी उन्हें, जैसे कि साइड में कोई टेबल रखा है जिसके ऊपर प्लेट्स है और डिशेज है, खाने के बर्तन सब रखे हैं, वो सब गिर जाने पे जैसे बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है ना, ऐसी आवाज़ सुनाई दी उनके कानों में, उनको ऐसी आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, I felt myself suffocating under the weight that was crushing me and preventing me from moving. I stretched out my hand to find what was the nature of this object. I felt a face, a nose and whiskers. Then with all my strength I launched out a blow over this face. But I immediately received a hail of cuffings which made me jump straight out of the soaked streets and rush in my night shirt into the corridor, the door of which I found open. उसके बाद जो है उन्हें बहुत ही सफोकेशन लगने लगा, उनकी सांसें उन्हें लगे कि रुकने लगी है, किससे, वो जो भारी सामान उनके ऊपर गिरा हुआ था या भारी बॉडी कुछ उनके ऊपर गिरा हुआ था, उससे उन्हें लगा उनकी सांसें रुक रही हैं, और वो ही भारी सामान उन्हें किसी हिलने डुलने से भी रोक रहा है। ठीक है, उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए ताकि वह जान सके कि आखिर जो सामान उनके ऊपर गिरा है वो क्या है, उसका क्या नेचर है, वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो
तो उन्हें जब उन्होंने टच किया तो उन्हें कैसा लगा कि किसी का चेहरा है, नाक है और विस्कर्स है। विस्कर्स मतलब लंबी लंबी मूछें जो होती है, जैसे बिल्ली की मूछें टाइप की होती है ना, ऐसा उन्हें लगा। फिर तब जो है ऑथर पूरा डर गए, ठीक है। उन्होंने अपनी सारी ताकत लगा के जो उनके ऊपर गिरा हुआ था उसके चेहरे पे एक जोर का मुक्का मारा। हाँ, आई लॉन्च्ड ए ब्लो ओवर दिस फेस, हाँ, उसके ऊपर एक जोर से उन्होंने मुक्का मारा। बट आई इमिडिएटली रिसीव्ड ए हेल ऑफ कफिंग्स, ठीक है। पर फिर तुरंत उन पर जब उन्होंने उसके चेहरे पे एक मुक्का मारा तो अचानक से जो है उनको भी किसी ने मुक्के मुक्के से बहुत मारा, ठीक है। लगभग तोड़ ताबड़ तोड़ उनके ऊपर मुक्कों की बारिश हुई। ये हेल ऑफ कफिंग्स मतलब ब्लो विथ फिस्ट्स है ना, किसी ने मुक्के से उन्हें भी बहुत मारा, जिसके कारण जो है वो पूरे जंप करके वह बेड से निकले आउट ऑफ द सोक्ड सीट्स, मतलब वो जिन चादर में सो रहे थे, जो चादर ओढ़े हुए थे वो पूरे भींगे हुए थे, ठीक है। उससे वह जंप करके, वो पूरे भींग चुके थे किसी तरह के लिक्विड से, वह जंप करके वो बेड से निकले और वो नाइट शर्ट नाइट ड्रेस पहन के वह सो रहे थे, जैसे नाइट गाउन पहन के सोते हैं सब, तो वो नाइट शर्ट पहन के ही वह बेड के क्लोथ से निकले और दौड़ कर वह कॉरिडोर में चले गए। और उन्होंने देखा कि उनके रूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ है और वह बाहर कॉरिडोर में चले गए। ओ स्टूपर, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, द नॉइज ब्रॉट माई फ्रेंड्स हरिंग इन टू द अपार्टमेंट एंड वी फाउंड स्प्रावलिंग ओवर माई इम्प्रोवाइज बेड द डिसमेड वैलेट हु वाइल ब्रिंगिंग मी माई बॉर्निंग कप ऑफ टी हैड ट्रिप्ड ओवर दिस ऑब्स्टिकल इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर एंड फॉलन ऑन हिज स्टमक स्पिलिंग इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ माई ब्रेकफास्ट ओवर माई फेस, ठीक है। ओ स्टूपर, स्टेट ऑफ बींग अनकॉन्शियस, है ना, कि ये जो ऑथर दौड़ कर रूम से बाहर कॉरिडोर में निकले तो वो अनकॉन्शियस स्टेट में थे, मतलब वो बेहोशी टाइप की अवस्था में थे। बाहर वो जब निकले तो उन्हें कुछ होश नहीं था, वो खाली दौड़ कर बाहर निकल गए। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, पूरे दिन चढ़ाया था, पूरे दिन हो सुबह हो चुकी थी, काफ़ी रोशनी हो चुकी थी। जो शोर हुआ उसके कारण जो है इनके सारे दोस्त दौड़ दौड़ के इनके अपार्टमेंट में आ गए और उन्होंने क्या देखा कि ऑथर ने जो इम्प्रोवाइज्ड बेड बनाया था, ऑथर ने जो भी सामान मिला था उससे उसने एक बेहतर बेड जो अपने लिए बनाया हुआ था, उस बेड के ऊपर कौन पड़ा हुआ था, लाइंग फुल लेंथ, पूरे चित पड़ा हुआ था, मैंने पूरा बॉडी किसी का पड़ा हुआ था, लेटे हुए किसी का पूरा बॉडी पड़ा हुआ था, वो किसका था, डिसमेड वैलेट, ठीक है। क्या है कि वहाँ का जो मेल अटेंडेंट होता, मतलब जो वहाँ का सर्वेंट था, ठीक है, जो कि सुबह नाश्ता लेके उनके लिए आ रहा था, वह बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गया था, वो थोड़ा दुखी हो गया था और वो उस बेड पे गिरा पड़ा था, पूरे लेटे हुए अवस्था में था, इस तरीके से वह उस बेड पे गिरा हुआ था। वो उनके लिए गरम सुबह की गरम चाय लेके आया था और अचानक से चूंकि बेड इन्होंने फ्लोर के मिडिल में इन्होंने अपना बेड लगाया था, जो कि उस सर्वेंट को उस वैलेट को यह एहसास नहीं था कि बेड मिडिल में होगा, तो उस बेड से वह टकराकर ऑथर के ऊपर गिर पड़ा था, ठीक है, अपने पेट के बल, है ना, यानी उसका पेट नीचे था और वह ऑथर के ऊपर गिर पड़ा था, है ना, वो ऑथर के ऊपर पूरी तरह से गिर पड़ा था पेट के बल, और जो भी ब्रेकफास्ट वह हाथ में लेके आया था वह सब ऑथर के चेहरे पे गिर गया था, यानी वह गरम चाय सब कुछ जो है वह ऑथर के चेहरे पे स्पिल कर गया था, ऑथर के चेहरे पे सब कुछ नाश्ता वगैरह गिर पड़ा था। द प्रिकॉशंस आई हैड टेकन इन क्लोजिंग द शटर्स एंड गोइंग टू स्लीप इन द मिडल ऑफ द रूम हैड ओनली ब्रॉट अबाउट द इंटरल्यूड आई हैड बीन ट्राइंग टू अवॉइड एंड हाउ दे ऑल लाफ्ड दैट डे, ठीक है। जो भी इन्होंने सावधानी बरती थी कि नहीं मैं विंडो के सारे शटर लगा दूंगा ताकि रूम में अंधेरा रहे, ठीक है, बाहर के विंडो से कोई अंदर नहीं आ सके, शटर के सामने मैं चेयर भी रख दूंगा, ठीक है, और रूम के मिडिल में सोऊंगा ताकि मेरे दोस्त मेरे ऊपर कोई तरह का जोक नहीं कर सके, ये सब के कारण क्या हुआ था, हैड ब्रॉट अबाउट द इंटरलूड आई हैड बीन ट्राइंग टू अवॉइड, ये सब ऑथर क्यों कर रहे थे, ताकि जो है किसी तरह का प्रैक्टिकल जोक उनके ऊपर नहीं हो पाए, किसी तरह की वो मुसीबत में नहीं फंसे, ये सब को बचाने के लिए उन्होंने जो भी इंतज़ाम किए थे उसके कारण ही यह सब घटना हो गई थी।
हैड ब्रॉट अबाउट द इंटरलूड. इंटरलूड है कि दो जो है बिटवीन टू इवेंट्स ड्यूरिंग विच समथिंग डिफरेंट हैपन्स. ठीक है, अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू इवेंट्स ड्यूरिंग विच समथिंग हैपन्स. दो इवेंट है, एक रात का इवेंट था जब इन्होंने सारा बेड वेड ठीक किया, एक सुबह का इवेंट था, सुबह जो हो गई, इस सुबह जो हो गई और रात का समय था, इन दो के बीच में ऐसी घटना घट गई है ना. इनके सुबह उठने से पहले और रात में सोने के बाद और सुबह उठने से पहले बीच में जो इंटरलूड पीरियड होता है, जैसे कि इंटरलूड ज़्यादातर जो है ना हम लोग कहेंगे कि कोई अगर मूवी देख रहे हैं तो बीच का जो टाइम होता है ब्रेक टाइम, उस टाइप का. तो ये दो घटनाएं जो थी रात में सोने की तैयारी और सुबह उठने के पहले के बीच वाले समय में यह घटना घट गई. ठीक है, जो कुछ अलग हो गया जिसमें, है ना, जिसमें समथिंग डिफरेंट हैपन, जैसा जो नहीं होना चाहिए ऐसी घटना हो गई. ठीक है, तो इनके दोस्तों ने जब यह देखा तो वह जान गए कि ओहो, तब ऑथर जो है वह इस डर में थे कि कहीं उनके ऊपर कोई प्रैक्टिकल जोक ना करे, इसीलिए उन्होंने ये सब तैयारी की. और ये सब तैयारी का क्या नतीजा हुआ, यह देखकर उनके दोस्त काफ़ी हंसे और वह सारा दिन वे लोग हंसते रहे. इस स्टोरी के राइटर है गाय डी मॉपसेंट, और अच्छी स्टोरी है ना, काफ़ी सुंदर से उन्होंने लिखी है. सुन के भी हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि किस तरह का सिचुएशन होगा, पढ़ के भी हम इमेजिन कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्टोरी है. इसके साथ ही आपका जो है ये 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया है. जल्दी हम लोग नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे. थैंक यू.